अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ आई विल सॉल्व द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1, दैट इज नंबर ऑफ कॉपीज 25, 50, 100, 150 एंड 200 एंड प्राइस पर कॉपी इन रुपीस। अब 25 कॉपीज थी जिसमें वन कॉपी की प्राइस क्या थी, 1 रुपीज। 50 कॉपीज थी और प्राइस वन कॉपी की क्या थी, 0.9। 100 कॉपीज थी तो वन की प्राइस क्या थी, 0.75। 150 कॉपीज थी तो वन की प्राइस क्या थी, 0.6। 200 कॉपीज थी तो वन की प्राइस क्या थी, 0.5। अब उन्होंने हमें नंबर ऑफ कॉपीज डिफरेंट दी हुई हैं और डिफरेंट ही आगे उनकी प्राइसेस दी हुई हैं वन कॉपी की। हमने सबसे पहले क्या करना है, 25 कॉपीज की रुपीस फाइंड करने हैं, इसी तरह 50 कॉपीज के रुपीस फाइंड करने हैं, 100 के, 150 के एंड 200 कॉपीज के, क्योंकि उन्होंने हमें 1 की दी हुई है। ये 25 की कॉपीज की प्राइस नहीं है, 1 कॉपी की प्राइस दी हुई है। ठीक है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। ये अब हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज हैं कि डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो ये कौन सी एवरेज है, वेटेड एवरेज। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एडेंडा। ये ऊपर वाले सब क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिस तरह अभी हमने सॉल्व करेंगे, और ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था इस क्वेश्चन का, ठीक है, बाकी सब क्वेश्चंस सेम ऐसे होंगे। डिफरेंट क्वांटिटीज दी हुई है, 1-1 की वैल्यू दी जाएगी आपसे, जितनी पूछी जाएंगी आपने उतनी उतनी की फाइंड करके फिर उनको प्लस करके उनके नंबर ऑफ क्वांटिटीज के साथ डिवाइड कर देंगे। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब 25 कॉपीज दी हुई हैं, 1 कॉपी के रुपीस बताए हुए हैं, तो हमें 25 के फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले प्राइस ऑफ 25 कॉपीज फाइंड करेंगे। तो 25 कॉपीज हैं और कितने रुपीस 1 कॉपी के बताए हुए हैं, 1 रुपीज। तो 25 वनजा 25, तो 25 कॉपीज कितने रुपीस की आई हैं, 25 रुपीस की। इसी तरह प्राइस ऑफ 50 कॉपीज फाइंड करेंगे। अब 50 कॉपीज हैं, उसमें 1 कॉपी के रुपीस क्या दिए हैं, 0.9। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है कितने रुपीस, 45 रुपीस। फिर प्राइस ऑफ 100 कॉपीज, 1 कॉपी के रुपीस क्या दिए हुए 100 कॉपीज में, 0.75। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपीस आ देंगे 75 रुपीस। फिर प्राइस ऑफ 150 कॉपीज इज इक्वल टू, 150 कॉपीज थी, 1 कॉपी के रुपीस क्या बताए हुए, 0.6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा रुपीस 90। फिर प्राइस ऑफ 200 कॉपीज इज इक्वल टू, अब 200 कॉपीज थी, 1 कॉपी के रुपीस क्या दिए हैं, 0.5। तो कितने रुपीस बने 200 कॉपीज के, 100 रुपीस। ठीक, अब हम निकालते हैं एवरेज फाइंड करने के लिए सम ऑफ क्वांटिटीज और नंबर ऑफ एडेंडा होना चाहिए हमारे पास। तो एवरेज का फॉर्मूला पहले राइट कर लें, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एडेंडा। सम ऑफ क्वांटिटीज में हम सारे प्राइसेस लिख देंगे, 25 कॉपीज कितने रुपीस में आई, 25 रुपीस में, और 50 कॉपीज कितने में आई, 45 रुपीस में, 100 कॉपीज 75 रुपीस में, 150 कॉपीज 90 रुपीस में, और 200 कॉपीज 100 रुपीस में। अब नंबर ऑफ एडेंडा मीन्स हमने कॉपीज भी काउंट करनी है कितनी है, 200 एंड 150, 350,
525 कॉपीज। तो हमारे पास नंबर ऑफ एडेंडा कितनी कॉपीज बन रही हैं, 525 कॉपीज। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 335। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कॉपीज के साथ तो हमारे पास क्या आती थी, 525। तो आंसर आता है 0.6380 9 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू रहेगा, चलता जाएगा, ठीक है। हम इसे राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने के लिए हमें डेसिमल में प्राइस दिए, हम इसको डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे अगर वन डिजिट देखते हैं तो हमें बाकी सारी वैल्यू कट करने के लिए ये नंबर देखना पड़ेगा। ये नंबर अगर 5 से लेस देन है तो क्या कट करके हम प्रीवियस डिजिट में ऐड कर सकते हैं? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज कट कर देंगे और प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज 3 जो है वो लेस देन 5 नंबर है। तो हमारे पास एवरेज क्या आएगी, 0.6। दिस इज आंसर। कितने रुपीस बने, 0.6 रुपीस एवरेज रुपीस आए हैं हमारे पास।